बारिश का ये मौसम रोमांस का मौसम लेकर आता है ना, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चाहे बाहर कैसा भी मौसम हो उनके जीवन में हमेशा छाया रहता है प्यार का मौसम। और ऐसे ही हैं हमारे नैना और समीर। लेकिन इस प्यार के मौसम के बीच में होली के रंग कहाँ से आ गए हैं, वो भी बरसात के सीजन में। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर। प्यार के रंगों में डूबे समीर नैना, मियां बीवी का खुल्लम खुल्ला रोमांस। होली का त्योहार तो कब कराकर चला गया, अब तो लोग मॉनसून का मजा उठा रहे हैं। लेकिन सोनी टीवी के सीरियल ये उन दिनों की बात है में समीर और नैना तो रंगों के त्योहार में मस्त मलंग हैं। भाई सीरियल की दुनिया है ही ऐसी, कब कहां क्या हो जाए किसी को पता नहीं। खैर बिन मौसम त्योहार का अपना अलग ही मजा है। जरा देखिए तो समीर नैना को कैसे होली के रंगों में खोकर एक दूसरे के साथ प्यार के गुल खिला रहे हैं, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। होली रंग भांग के साथ मनाई गई है बिना पानी के, सेव वाटर इज आवर एजेंडा। हाँ तो हमने काफ़ी मज़े किए, इनफैक्ट मुझे ये पूरे होली चंक में काफ़ी मज़ा आया शूट करने के टाइम पे भी, क्योंकि मुझे क्रिसमस में जितना नहीं आया था टू बी ऑनेस्ट, मुझे होली में बहुत ज़्यादा आया। सो ये जो रैंडम त्यौहार आ रहे हैं ना हमारे शो में अचानक से, उनमें एक्चुअली काफ़ी मज़े आ रहे हैं, क्योंकि हमें अभी वो फेस्टिवल सीजन चल नहीं रहा तो हमें यहाँ पे फुल फील मिल रहा है फेस्टिवल्स वाला। बिल्कुल सही कहा समीर नैना, पर तो प्यार और रंग के साथ साथ भांग का नशा भी चढ़ा है, इसीलिए तो अपना झूठ भूलकर पूरी सोसाइटी के सामने नैन मटक्का कर रहे हैं। दोनों तो ये भी भूल गए कि नैना का कोई नकली पति भी है। भांग की वजह से इसलिए बोलते हैं नहीं पीना चाहिए लोगों, पीने के बाद ऐसे ही होता है, आप कुछ छुपाना चाहो तो नहीं छुप पाता, सारे सच बाहर आ जाते हैं। भाई पराए मर्द के साथ प्यार के पेंच लड़ाते देख कोई भी सोसाइटी आवाज उठाएगी। खैर अब ये नकली पति और असली रिश्ते का सच सबके सामने आ गया है और नैना समीर ने सबसे अपने किए की माफी भी मांग ली। वो काफ़ी ज़्यादा क्योस हो गया था हमारी लाइफ में, मतलब ठीक है एक मोटिवेशन था कि क्योंकि समीर को हीरो बनना है तो हमें उस बस वो टारगेट था उसके लिए, हमने जो लग रहा था वो हम कर रहे थे, बहुत झूठ बोल रहे थे, पर अभी तक उन झूठ से किसी का नुकसान नहीं हो रहा था, जो अब इवेंचुअली होना शुरू हो गया विच इज़ नॉट गुड। हमने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था और हम वो नहीं कर सकते, हम बुरे नहीं हैं एट लास्ट, तो बस वो झूठ का खुलासा फाइनली हम कर देंगे जिससे और लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ ना हो, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि लोग हमें एक्सेप्ट कर लें। सो लेट्स सी, आपसे कोई भी इतने झूठ बोले तो आप उसे इजीली माफ़ नहीं कर पाते हो, तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें इजीली माफ़ कर दिया जाएगा, पर लोगों ने हमें बहुत प्यार से अपना लिया। अंत भला तो सब भला। चलो समीर नैना का ये नकली नाटक तो खत्म हुआ, बस अब सबका आशीर्वाद समीर और नैना को मिल जाए और जो समीर बनने मुंबई आया है वो बन जाए। प्रियांशु झा, मुंबई आज तक।